हेलो वेलकम टू कैडविलियंस बच्चों आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर टेन का जो एमसी प्रॉब्लम्स हैं वो कवर करने वाले हैं और वन सो लेक्चर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के ऑल एमसी प्रॉब्लम हम लोग कवर कर लेंगे और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सभी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आता है आपको क्वेश्चन नंबर वन क्वेश्चन नंबर वन है आपका विच ऑफ फॉलोइंग कैन बी फॉर्म्ड अराउंड एन इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड ब्लैक होल एंटी ग्रेविटिक कंडीशन और ऑल ऑफ अब तो देखिए आपसे पूछ रहा है कि अगर इलेक्ट्रिक करंट किसी कंडक्टिंग वायर के अराउंड होती है अगर इलेक्ट्रिक करंट किसी कंडक्टिंग वायर के अराउंड होती है तो उसमें क्या प्रोड्यूस होता है तो देखिए उसमें आपका जो प्रोड्यूस होगा वो होगा मैग्नेट फील्ड तो ध्यान रखेंगे किसी भी वायर के अराउंड अगर इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रही है दैट मीन उस एरिया में आपका मैग्नेटिक फील्ड का क्या है प्रेजेंस होगा तो मैग्नेटिक फील्ड ऑप्शन नंबर ए इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा आफ्टर डेट आपका आता है क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर टू आपसे कह रहा है विच ऑफ द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तो देखिए जो मैग्नेटिक फील्ड का जो यूनिट होता है वो होता है आपका न्यूटन पर एम्पियर मीटर तो जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो आपका क्या है करेक्ट हो जाएगा और जिन लोगों को निकालना है उनको मैं बताना चाहूंगा कि भाई एफ इक्वल टू आई वी एल के अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हैं वी की वैल्यू एफ अपॉन आई एल हो जाता है एफ का हो जाएगा न्यूटन आई का हो जाएगा एम्पियर एल का हो जाएगा मीटर तो वो इस फॉर्मूले से भी क्या है निकाल सकते हैं आफ्टर डेट हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर थ्री पर क्वेश्चन नंबर थ्री है आपका द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होंगी वो किसका डायरेक्शन देगा वो आपका साउथ नॉर्थ देगा वो आपका कंपास का डायरेक्शन देगा या फिर वो आपका बाहर मैग्नेट का डायरेक्शन देगा या फिर वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा तो देखिए जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो आपकी जो डायरेक्शन को शो करती हैं वो करती हैं मैग्नेटिक फील्ड की तो जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर है आपका द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन साइड करंट करेंट कैरिंग सोलिनोइड आर तो जो करेंट कैरिंग सोलिनोइड होगा उसके लिए कौन सा आंसर करेक्ट होगा देखिए आपसे बोल रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होंगी किसी भी करेंट कैरिंग सोलिनॉइड के लिए वो कैसी होंगी तो देखिए फर्स्ट आपका दिया गया अलोंग द एक्सिस एंड पैरेलल टू ईच अदर या फिर सर्कुलर होगा थर्ड सर्कुलर होगा बट एट द एंड ऑफ द सोलिनोइड होगा या फिर ऑल ऑफ अब होगा तो देखिए अगर हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड किसी के केस की तो वो क्या होगा वो सोलिनोइड की एक्सेस पर होगा एंड वो आपस में क्या होगा पैरेलल होगा तो ध्यान रखेंगे कि भाई अलोंग द एक्सेस होगा एंड पैरल टू ईच अदर होगा तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर फाइव है आपका द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अ बार मैग्नेट प्लेन वर्टिकली होल्ड तो बेटा इसके केस में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो कैसी होंगी ये आपको क्या बताना है ऑप्शन आपको दिए गए हैं इन ऑल प्लेन्स अराउंड द मैग्नेटिक फील्ड सेकेंड है आपका इन हॉर्जेंटल एज वेल एज वर्टिकल थर्ड है आपका ओनली फोर्थ है आपका ओनली वर्टिकल तो देखिए इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इन ऑल प्लेन्स अराउंड द मैग्नेटिक फील्ड तो आपको ध्यान रखना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा किसी भी बार मैग्नेट के लिए जो वर्टिकली पोजीशन में है तो उसके लिए वो क्या होगा इन ऑल प्लेन्स होगा तो जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका क्या करेक्ट हो जाएगा आफ्टर डेट आपका आता है क्वेश्चन नंबर सिक्स पैरामीटर कैन बी डिटेक्टेड विद कंपास नीडल तो कंपास नीडल के मेथड से हम लोग क्या डिटेक्ट कर सकते हैं तो देखिए कंपास नीडल के बेसिस पर हम जो डिटेक्ट कर सकते हैं वो डिटेक्ट कर सकते हैं अपने मैग्नेटिक फील्ड को तो कंपास नीडल का काम हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड को क्या है डिटेक्ट करना डेट मीन ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा इसके बाद आपका आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवन अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेवन पर हम आते हैं कि भाई क्वेश्चन नंबर सेवन आपसे क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर सेवन आपसे कह रहा है द नीडल रेस्ट इन विच ऑफ डायरेक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तो जो मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में जो कंपास नीडल है वो कहाँ पर रेस्ट करेगा तो जैसे मान लो आपके पास एक कंपास नीडल है और वो क्या है रखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में तो वो कहाँ पर आपका एगजिस्ट करेगा कहाँ पर वो आपका रेस्ट करेगा वो आपको बताना है तो देखिए अगर मैं आपसे बात करूं उसके पोजीशन की तो देखिए उसकी जो पोजीशन होगी वो क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड के सेम डायरेक्शन में होगा और वो पैरली एग्जिस्ट करेगा मतलब पैरल फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड के सेम डायरेक्शन में क्या करेगा एग्जिस्ट करेगा तो अगर आप अपने ऑप्शन को रीड करेंगे तो जैसे फर्स्ट वाला कह रहा है फ्लो ऑफ करेंट के डायरेक्शन में होगा सेकेंड वाला कह रहा है पैरल एंड अपोजिट होगा तो देखिए ये तो नहीं होने वाला है नेक्स्ट कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा एंड थर्ड कह रहा है पैरल एंड इन द इन द सेम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तो देखिए पैल मैंने आपको बताया और सेम डायरेक्शन से बताया तो इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका क्या करेक्ट हो जाएगा तो आपका ऑप्शन नंबर डी क्या है करेक्ट हो जाएगा अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एट पर क्वेश्चन नंबर एट आपसे कह रहा है टेस्ला इज यूनिट ऑफ जो टेस्ला है वो किसका यूनिट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी का फ्लक्स का या फिर मैग्नेटिक फील्ड का तो ये ये तो ये देखिए तो आपको बिल्कुल, आपको बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है आपको पता मैंने आपको में भी कवर कराया था तो जो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या है करेक्ट हो जाएगा अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर नाइन पर क्वेश्चन नंबर आपसे कह रहा है ऑफ दी फॉलोइंग इज टू द न्यूट्रल पॉइंट मतलब न्यूट्रल पॉइंट के लिए क्या करेक्ट होगा ऑप्शन को आप रीड कर लीजिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही देखते हैं इसको कैसे होगा तो ऑप्शन आपसे कह रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करेंट एंड अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल एंड अपोजिट सेकेंड आपसे कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करेंट एंड अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट इक्वल बट अपोजिट एंड थर्ड ऑप कह रहा है सम ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करेंट एंड अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो एंड लास्ट कह रहा है बोट ए एंड सी तो बेटा इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा सम ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एंड मैगने अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी है इस केस में वो क्या है करेक्ट आंसर क्या है हो जाएगा आफ्टर डेट हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर टेन पर क्वेश्चन नंबर टेन आपसे कह रहा है विच टाइप ऑफ मैग्नेट इज यूज्ड इन गैल्वेनोमीटर अमीटर वोल्टमीटर मैग्नेटिक कंपास तो आपसे पूछ रहा है कि भाई किस टाइप का जो मैग्नेट है वो आपको यूज करना है गैल्वेनोमीटर अमीटर वोल्टमीटर और मैग्नेटिक कंपास में तो देखिए इसके लिए जो आपका मैग्नेट यूज होता है वो यूज होता है परमानेंट तो परमानेंट मैग्नेट का आपका क्या यूज किया जाता है तो अगर आप अपने ऑप्शन को देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी आपका परमानेंट मैग्नेट क्या है करेक्ट हो जाएगा आफ्टर आपका आता है क्वेश्चन नंबर इलेवन क्वेश्चन नंबर इलेवन को आप देखते हैं क्वेश्चन कह रहा है आपसे एज पर राइट हैंड रूल इफ यू होल्ड कैरिंग कंडक्टर इन योर राइट हैंड सच डेट द पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ करेंट देन विच फिंगर विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तो देखिए ये तो मैंने आपको ऑलरेडी जो लॉ था राइट हैंड थम रूल वो मैंने आपको थ्योरेटिकल में पूरा कवर किया हुआ था और अगर उस उस लॉ को अगर आपको माइंड में थोड़ा सा भी ये लॉ होगा तो आपको बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वो वही होता है जो हमारे फिंगर्स को इन सर्किल करने का डायरेक्शन होता है तो ऑप्शन हमारा ए क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा फिंगर इन सर्किल द वायर तो बेटा ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा आफ्टर डेट आपका आता क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व आपसे कह रहा है द मोस्ट सुटेबल मटेरियल फॉर मेकिंग कोर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट तो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए कौन सा मोस्ट सुटेबल मटेरियल होगा तो देखिए यदि आपको अपना कोर बनाना है इलेक्ट्रोमैग्नेट का तो देखिए मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेट जब मैंने आपको पढ़ाया था जो वन शॉर्ट लेक्चर आपको प्रोवाइड किया गया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि भाई सॉफ्ट आयरन का ही हम क्या करते हैं यूज करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट को मोस्ट सुटेबल बनाने के लिए तो जो मोस्ट सुटेबल मटेरियल है वो आपका क्या है सॉफ्ट आयरन है तो जिन लोगों को कोई भी कंफ्यूजन वगैरह होता है तो वो क्या करें वो जो वन शॉर्ट का जो थ्योरी लेक्चर है वो जाके जरूर देखें वो आपको मिलेगा सेमेस्टर टू फिजिक्स प्लेलिस्ट में और वहां पर आप क्या देख पाएंगे ऑल थोरटिकल प्रॉब्लम अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टीन पर क्वेश्चन नंबर थर्टीन आपसे कह रहा है विच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग इलेक्ट्रो तो इलेक्ट्रो के रिगार्डिंग आपका कौन सा ऑप्शन क्या है करेक्ट है आपसे कह रहा है इट इज अ टेम्परेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बिल्कुल सही है कि भाई टेंपरेरी होता है सेकंड है सॉफ्ट आयरन का होता है बिल्कुल ये भी करेक्ट है सॉफ्ट आयरन का यूज हम करते हैं next, आपका magnet, बिल्कुल ये भी है. और लास्ट है, तो है, है तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा इसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फोर्टीन पर क्वेश्चन नंबर फोर्टीन आपसे कह रहा है हॉर्स वो मैगनेट हैज ऑफ मतलब जो हॉर्स वो मैग्नेट है उसका सेप कैसा होता है एच सेप होता है आई है, है, है तो बेटा ऑलरेडी मैंने आपको बताया था जो हॉर्स मैग्नेट होता है वो किस में होता है वो यू में होता है तो जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन आपका क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन आपसे कह रहा है विच ऑफ फॉलोइंग टाइप ऑफ इलेक्ट्रो मैगनेट इज यूज्ड इन रिले तो देखिए आपका जो वो किस टाइप टाइप का क्या है आपका यूज़ किया जाता आई या फिर ओ टाइप या आर टाइप किस टाइप का आप क्या क्या यूज किया जाता है तो देखिए मैंने आपको बताया था कि जो भाई इलेक्ट्रोमैग्नेट जो आपका यूज आप नॉर्मली करते हैं वो किस टाइप का होता है वो वार टाइप होता है तो आपको ध्यान रखना है कि भाई बाय टाइप का जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है उसका आप क्या यूज करते हैं डेट मीन जो ऑप्शन नंबर वी है वो आपका क्या है करेक्ट हो जाता है इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन देखिए आपसे क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन आपसे कह रहा है विच ऑफ दी फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग परमानेंट मैग्नेट तो परमानेंट मैग्नेट के लिए क्या आपका करेक्ट है वो आपको बताना है तो देखिए फर्स्ट आपसे कह रहा है इट इज इट इज मेड यूजिंग पीस ऑफ सॉफ्ट आयरन तो बेटा सॉफ्ट आयरन का यूज हम लोग नहीं करते हैं बिल्कुल गर, गलत ऑप्शन है नेक्स्ट है आपका अकोल इंसुलेटेड कॉपर इज बाउंड विद द सॉफ्ट आयरन बेटा सॉफ्ट आयरन को तो हम यूज ही नहीं करते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है फिर नेक्स्ट है इट डज नॉट लूज इट्स मैग्नेटिज ईजली ये अपने मैग्नेटिज को ईजिली लूज नहीं करता है तो बेटा ये बिल्कुल करेक्ट है कि भाई ये अपने मैग्नेटिज को लूज नहीं करता तो जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका क्या करेक्ट हो जाता है नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर सेवनटीन इसको हम लोग देख लेते हैं भाई क्वेश्चन नंबर सेवनटीन क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर सेवनटीन आपसे कह रहा है वाई इन लेक वाई इन परमानेंट मैग्नेट स्टील इज यूज इन ऑफ आयरन तो आपसे पूछ रहा है कि भाई सॉफ्ट आयरन की पोजीशन पर स्टील का हम यूज क्यों करते हैं तो बेटा मैंने आपको बताया था कि जो स्टील की जो रिटेंटिविटी होती है वो ज्यादा होती है सॉफ्ट आयरन कंपेरिजन में तो इसलिए हम लोग यूज कर लेते हैं स्टील का इन कंपेरिजन टू सॉफ्ट आयरन तो ध्यान रखेंगे कि भाई रिटेंटिविटी हमारी क्या है स्टील की ज्यादा होती है तो डेट मीन जो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए है वो क्या करेक्ट हो जाता है इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर एट्टीन क्वेश्चन नंबर एटीन आपसे कह रहा है इलेक्ट्रो मैगनेट आर कैपेबल टू लिफ्ट द वेट ऑफ डैस के जी ऑफ आयरन इन सिंगल स्विफ्ट मतलब जो इलेक्ट्रो मैगनेट है उसका यूज हम लोग करते हैं कितने वेट को उठाने के लिए तो देखिए अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रो मैगनेट की तो ये क्या कर सकता है ये ट्वेंटी थाउजेंड के जी का जो वेट होता है वो क्या है? लिफ्ट कर सकता है तो जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो आपका क्या करेक्ट हो जाएगा इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 19, उसको देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपसे कह इलेक्ट्रोमैग्नेट आप तो का यूज करते हैं हम लोग किसमें इलेक्ट्रिक बेल में तो जो हमारी घंटी होती है घरों की जो इलेक्ट्रिक बेल यूज करते हैं उसमें क्या होता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है करेक्ट हो जाएगा आफ्टर डेट आपका आएगा क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व उसको देखिए क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व आपसे कह रहा है वेन अ चार्ज इज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड इन अ डायरेक्शन अदर देन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस अ फोर्स दिस फोर्स इज रिफर्स एज जो ये आपका फोर्स है इसको आप क्या कहेंगे लेटर फोर्स न्यूटन फोर्स लॉरेंस फोर्स ब्राउनियन फोर्स तो बेटा आपको पता है कि भाई जब एक चार्ज हमारा क्या करता है मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड में तो उस पर जो फोर्स एप्लीकेबल होता है वो होता है लॉरेंस फोर्स तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लॉरेंस फोर्स नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी क्वेश्चन ट्वेंटी वन आपसे कह रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ करेंट कैरिंग वायर इज डिपेंडेड अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर बेटा किस फैक्टर पे हमारा जो मैग्नीट्यूड होगा फोर्स का वो डिपेंड करेगा मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करेगा करंट पे करेगा लेंथ पर करेगा या ऑल ऑफ आवअ पे करेगा तो बेटा ऑब्वियस सी बात है आपको पता है कि भाई जो फोर्स होता है वो सभी पर क्या है डिपेंड करेगा आपने पढ़ा था भाई एफ इक्वल टू क्या होता है आपने पढ़ा हुआ था एफ इक्वल टू होता है आई वी एल आई आपका हो गया करंट बी आपका हो गया मैग्नेटिक फील्ड एंड एल आपका हो गया लेंथ ऑफ डेट मींस ऑल फैक्टर आपके एग्जिस्ट कर रहे हैं डेट मींस ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ क्या है आपका करेक्ट आंसर क्या है हो जाएगा आफ्टर डेट आपका आता है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू अभी क्वेश्चन नंबर 22 आपसे कह रहा है एस वेराडिस लॉ विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पैराडिलॉ के अकॉर्डिंग कौन सा आपका क्या है करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपको बताना है तो बेटा तो फर्स्ट आपसे कह रहा है इफ देयर इज अ चेंज इन द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देयर विल बी जनरेशन ऑफ़ हाई स्पीड पार्टिकल इन द कंडक्टर तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है नेक्स्ट देखिए इफ देयर इज चेंज इन नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन देन देयर विल बी जनरेशन ऑफ हाई स्पीड न्यूट्रॉन्स पार्टिकल इन द कंडक्टर ऐसा भी कुछ भी नहीं होता है नेक्स्ट है इफ देयर इज अ चेंज इन द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन देयर विल जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स तो बेटा ये आपको पता है कि भाई फेराडे लॉ में इलेक्ट्रिव मोटिव फोर्स जिसको आप ई एम एफ कहते हैं वो एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है? क्या है करेक्ट हो जाता है तो बेटा जब हम क्वेश्चन को करते हैं तो अपने जो टर्म्स होते हैं उनको जरूर मैच करते हैं अब देखिए नॉर्मली आप क्या पढ़ते हैं नॉर्मली आप पढ़ते हैं e e आप कहते बट ई एम एफ का जो फुल फॉर्म होता है वो वही होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स तो ये आपको पता होना चाहिए तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या करेक्ट हो जाएगा इसके बाद आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री पर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री आपसे कह रहा है विच ऑफ फॉलोइंग रिफर्ड एज मैग्नेटिक फ्लक्स तो मैग्नेटिक के लिए कौन सा आपका क्या रेफर हम लोग कर सकते हैं तो देखिए फर्स्ट आपसे कह रहा है टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस पास थ्रू एन एरिया ऑफ हंड्रेड बेटा ये गलत हो गया आपका क्योंकि कोई भी फिक्स क्वांटिटी आपकी नहीं होती है बेटा ऐसी लास्ट वाला जो आपका दिया गया है ये भी आपकी फिक्स क्वांटिटी है तो बेटा ये भी गलत हो जाएगा अब बचा आपके पास ऑप्शन नंबर बी एंड सी अब इसमें से आपका क्या है करेक्ट हो जाएगा अब बेटा आपसे कह रहा है बी वाले में यूनिट वॉल्यूम के लिए और बेटा इसके बाद आपसे कह रहा है सी वाले में सी वाले में आपसे कह रहा है यूनिट एरिया के लिए तो आपको पता है कि भाई जो हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेक करते हैं वो करते हैं यूनिट एरिया के लिए तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है करेक्ट हो जाता है नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर क्वेश्चन ट्वेंटी फोर आपसे देखिए क्या कह रहा है उसको देखिए हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर आपसे कह रहा है एज फॉर फेराडे इफ द कॉल ऑफ द If the coil of the circuit is closed, what effect will occur on the flow of current? तो देखिए फेराडे लॉ के अकॉर्डिंग कौन सा इफेक्ट इस पर अकर करेगा आपसे फर्स्ट कह रहा है करंट फ्लो विल रिमेन इन द सेम करंट फ्लो विल एंड करेंट फ्लो विल इंक्रीज या करेंट फ्लो विल डिक्रीज तो देखिए अगर हम बात करते हैं क्लोज्ड सर्किट की अगर हम बात करते हैं क्लोज सर्किट की अकॉर्डिंग टू फेराडे लॉ तो देखिए जो करंट होगा वो क्या हो जाएगा एंड हो जाएगा करंट एंड क्यों हो जाएगा क्योंकि सर्किट हमारा क्या लिया गया क्लोज लिया गया है डैट मीन जो हमारा ऑप्शन नंबर वी है वो आपका क्या है करेक्ट हो जाएगा इसके बाद हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी पर क्वेश्चन नंबर 25 आपसे कह रहा है द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट इज सच डेट इट अपोजेस द कॉज विच इट प्रोड्यूस तो देखिए आपने पढ़ा हुआ था कि भाई वो अपने कॉज का क्या है अपोज करेगा तो देखिए आपने ये कब पढ़ा हुआ था ये आपने पढ़ा था लेंज लॉ में देखिए लेंज लॉ आपसे कहता है कि भाई वो अपने होने का क्या करेगा अपोज करेगा जब कोई चीज अपने होने का अपोज करेगा तो वो किसके लिए आता है वो लेंज लॉ के लिए आता है तो डेट मीन ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है करेक्ट हो जाएगा अब बेटा इसके बाद आपका आता है है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर आपसे कह रहा है, लेंज लॉ इज बेस्ड अपॉन विच ऑफ फॉलोइंग लॉ मतलब लेंज लॉ आपका किस लॉ के बेसिस पर है तो देखिए अगर मैं आपसे बात करूं लेंज लॉ की बेसिस की तो देखिए जो आपका लेंज लॉ होता है अगर आप उसको देखें तो भाई ये आपका जो लॉ है ये किसके कंजर्वेशन पर वेस्ड है ये आपके एनर्जी के कंजर्वेशन पर वेस्ट है तो अगर ये एनर्जी कंजर्वेशन पर वेस्ट है तो जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो आपका क्या है करेक्ट हो जाएगा तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ध्यान रखिएगा कि भाई ये आपके लेंज लॉ पर क्या है? वेस्ड है इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 27 आपसे कह रहा है द मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ ईएमएफ कैन बी इंक्रीज बाय विच ऑफ दी फॉलोइंग तो जो मैक्सिमम वैल्यू है ईएमएफ की उसको आप इंक्रीज कर सकते हैं किस वे से इंक्रीज कर सकते हैं तो ऑप्शन आपसे कह रहा है वाई इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स बिल्कुल आप टर्न्स के बेसिस पे इंक्रीज कर सकते हैं नेक्स्ट है आपका व्हाई इनक्रीजिंग द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बिल्कुल आप इससे भी इंकेज कर सकते हैं एंड नेक्स्ट है आपका वाई इंकेजिंग द स्पीड ऑफ रोटेशन तो इससे भी इंकेज कर सकते हैं ये तीनों ऑप्शन आपके करेक्ट है तो इसका मतलब जो ऑप्शन आपका हो जाएगा वो हो जाएगा लास्ट वाला ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट ट्वेंटी एट आपसे कह रहा है द मैक्सिमम वैल्यू द मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ ई एम एफ कैन बी इंक्रीज वाई विच ऑफ द तो जो ई एम एफ की वैल्यू है उसको आप इनक्रीज कर सकते हैं तो बेटा ये क्वेश्चन क्या है रिपीट हो गया है सेम वही क्वेश्चन है प्रीवियस वाला इसका भी ऑप्शन ऑल ऑल ऑफ ऑफ क्या हो जाएगा अब, अब हो जाएगा सेम क्वेश्चन है आपका रिपीट है नेक्स्ट आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन तो ये क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन आपसे कह रहा है इन आवर हाउसेस वी हैव इलेक्ट्रिक सप्लाई ऑफ डैश फ्रिक्वेंसी मतलब जो अपने घर होते हैं उनमें जो इलेक्ट्रिक सप्लाई आती है उसकी फ्रिक्वेंसी क्या रहती है तो बेटा जो उसकी फ्रिक्वेंसी रहती है इलेक्ट्रिक सप्लाई की वो रहती है, 50 जो है वो घरों में आती है तो जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका क्या है करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर थर्टी क्वेश्चन नंबर थर्टी आपसे कह रहा है विच ऑफ दोल्टेज सोर्सेस जनरलीज इंडियन फैक्ट्रीज होती है उनमें कितना हम अपना वोल्टेज यूज करते हैं तो देखिये जो जो फैक्ट्रीज होती है उनमें क्या करते हैं उसमें टू ट्वेंटी वोल्ट का यूज करते हैं बट वो आपका क्या है ए सी के फॉर्म में होता है तो ध्यान रखेंगे टू ट्वेंटी वोल्ट इन द फॉर्म ऑफ ए सी डेट मीन जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तो बेटा ये क्वेश्चंस आपके हो गए हैं अगर बेटा आपको कोई भी डाउट है कोई भी प्रॉब्लम है या आपको प्रीवियस लेक्चर देखना है वो आपका चाहे थ्योरी के रिगार्डिंग हो या वो आपका एम के रिगार्डिंग हो या फिर वो आपका न्यूमेरिकल के रिगार्डिंग हो तो ये सारे लेक्चर आप प्ले में जाके देख सकते हैं प्ले का बेटा नेम आप ध्यान से देख लो प्ले का नेम है फिजिक्स सेमेस्टर टू आई क्लास टेन तो इस प्ले में जाकर आप क्या सभी प्रीवियस लेक्चर थ्योरी एंड एमसीक्यू दोनों के लेक्चर आप क्या देख सकते हैं और बेटा कोई भी कंफ्यूजन है कोई भी डाउट है तो आप क्या है नीचे कमेंट बॉक्स आपको दिखाई देगा कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम पूछें और अगर कांटेक्ट करना चाहते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए वहां पे आपको फेसबुक पेज का लिंक मिलेगा जैसे आप फेसबुक पेज को लाइक like करेंगे तो आपके सामने नंबर अपेयर हो जाएगा वहां से आप वहां से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं एंड गाइस आपको लास्ट पॉइंट में ये कहूंगा कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है आपको ऐसे वीडियोस के अपडेट्स चाहिए लेटेस्ट अपडेट चाहिए तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें एंड नोटिफिकेशन दबा दें क्योंकि हम आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आगे भी लाते रहेंगे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तो तक शुक्रिया